इक्तदार की मुंतकली, नई पंजाब असम्बली का पहला इजलास, नौ मुंतखब अराकीन असम्बली आज हल्फ उठाएंगे। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल अराकीन असम्बली से हल्फ लेंगे। अराकीन की आमद का सिलसिला जारी। स्पीकर राना मोहम्मद इकबाल का कहना है, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है, कौम अच्छे की उम्मीद रखे। वेलकम टू पंजाब असम्बली। सियासी इनिंग्स की शुरुआत पर अराकीन असम्बली का फूलों से इस्तकबाल। नौ मुंतखब अराकीन असम्बली को खुशगवार हैरत। अराकीन की सहूलत के लिए हेल्प डेस्क भी कायम। स्पीकर पंजाब असम्बली और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल खुफिया राय शुमारी से होगा। वजीर आला पंजाब का इंतखाब 17 अगस्त को होगा। तहरीक इंसाफ की जानिब से चौधरी परवेज इलाही स्पीकर और दोस्त मोहम्मद मजारी डेप्यूटी स्पीकर के उम्मीदवार। नून लीग की जानिब से चौधरी इकबाल गुजर। सीनियर सियासतदान भी एमपीए का हल्फ उठाएंगे। चौधरी परवेज इलाही, ख्वाजा साद रफीक, हमजा शहबाज, अलीम खान, मियां असलम इकबाल, महमूद रशीद और डॉक्टर मुराद रास हल्फ उठाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट में कायम मकाम चीफ जस्टिस की हल्फ बरदारी की तकरीब। जस्टिस इनवार उल हक ने कायम मकाम चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के ओहदे का हल्फ उठा लिया। जस्टिस सरदार शमीम कायम मकाम चीफ जस्टिस से हल्फ लेंगे। तकरीब में जज समेत वकला की शिरकत। और पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी केस की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। नैब को ख्वाजा बरादरान से मुतालिक मजीद अहम सबूत मिल गए। आशान इकबाल और एलडीए सिटी में ख्वाजा बरादरान की मुशावरत से ठेके दिए जाने का इंकशाफ। नैब ने ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक को आज तलब कर लिया।